गजेंद्र के पास क्या था, और ये 12 गुण किसी ब्राह्मण में हैं और वो भगवान से विमुख हुए तो भगवान उस ब्राह्मण से प्रसन्न नहीं होंगे। और एक शानदार भी यदि भगवान के प्रति आत्मसमर्पण कर दे तो उसके प्रति प्रसन्न हो जाते हैं, वो अपने कुल को पवित्र कर देता है। तो ये प्रभु तो अपने आप में परिपूर्ण है, कोई ला के हमको माला फूल चढ़ाया मानो उनके लोक में फूल नहीं होते होंगे, बोला बोले चंदन लेके चढ़ाओ तो कस्तूरी और मलिया गिरवा नहीं होता है। तो जरा भेंट भाई, जरा गहरी भेंट चाहिए भगवान के लिए, तो गहरी भेंट से भगवान का गरीब है कि गहरी भेंट से प्रसन्न होंगे। तो बोले नहीं नहीं, ये तो असल में भगवान की सेवा पूजा जितनी श्रद्धा से जितने प्रेम से जैसा जो कोई करता है, वो जैसे अपने शरीर में माला पहनने पर शीशे में दिखने वाले शरीर में माला दिखने लगती है, वैसे भगवान बिंब है, जीवात्मा प्रतिबिंब है। जब वो भगवान की सेवा पूजा करता है तब वो जीव को मिल जाती है। इसलिए मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपकी महिमा का गान करता हूँ, ये ब्रह्मा आदि आपके सेवक हैं। अब आप कृपा करके प्राणियों के कल्याण के लिए क्रोध को शांत कर दीजिए। बिच्छू सांप के मरने से सत्पुरुष लोग खुश होते हैं, ये भी बिच्छू सांप की तरह एक प्राणी था, मर गया मर गया, सबको बड़ा सुख मिला। तो आप कि ये भयानक रूप से हमको कोई डर नहीं लगता है, आप भले या कड़ी पहले पहले रहिए, हमको डर इस बात से लगता है कि बारंबार जो संसार चक्र में पड़ना पड़ता है ना, ये बड़े डर की बात है। तो अब तक अनादिकाल से न जाने कितनी योनियों में गया हूँ और दुख को सुख समझ करके और हमने उसको पकड़ा है, भटक रहा हूँ, अब आपकी शरण में आया हूँ और आपके भक्तों का संग मिले। माता पिता हमारी रक्षा नहीं कर सकते, हम जानते हैं जिसमें ये सारी सृष्टि है वही हमारी रक्षा करता है। ये माया जो है ना, ये अनंत अच्छा जो निर्विकार निर्विशेष निर्धर्म अद्वैत जो परमात्म तत्व है, उसमें ये अंतःकरण और अंतःकरण की कल्पनाएं किसी भी प्रकार संगत नहीं बैठती हैं। तब यही जादू का खेल है, भगवान ने ये माया बनाई नहीं। और ये जो दुनिया दिख रही है परमात्मा में, ये ठीक वैसी जैसे जादूगर का बनाया हुआ कोई खेल है, भगवान जादूगर नहीं और ये जादू नहीं, इसने माया वाया कुछ नहीं छाया कुछ नहीं। ये तो हमारी आंख से जब तक हम शरीर में बैठे हुए हैं ये ऐसा दिखाई पड़ रहा है, असल में मन ही माया है। हमको एक महात्मा ने बताया था कि माया माने जानते हो क्या होता है, नहीं महाराज, बोले अपने मन का ही नाम माया है, ये सब माया का खेल है, माने सब अपने मन का खेल है। तो नारायण संसार में तो ये माया सबको पीस रही है और आप इस शरण में मैं आया हूँ, अब आप हमको खींच करके बता दीजिए। लोग कहते हैं स्वर्ग स्वर्ग क्या रखता है स्वर्ग में, हमने तो अपने बाप को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठ के देखा है। और महाराज जब हमारे पिताजी क्रोध करके हंसते थे, क्रोध का अट्टहास जब इनका होता था, तो देवता लोग चकाचक स्वर्ग से धरती पर गिरने लगते थे, मैंने अपनी आंख से देखा। अब वही देवता होकर के हम क्या करेंगे, देश में पितो पिटित हाथ बिजरिन भीता ध्रुव बिस्तूर जितो न लुलिता पति पे निरक्त उसके आप ने मार दिया। तो दादा हम दुनिया से ब्रह्मा पर्यंत कोई भोग नहीं चाहते हैं, हमको बस एक वरदान दे दो कि आपके भक्त का संग हमको हमेशा मिलता रहे। संसार की तृष्णा में कुछ नहीं है, मैं तो रजोगुणी हूँ, आज बस हमारा सौभाग्य जगा और आपने अपना कर कमल हमारे सिर पर रख दिया। आपने कोई छोटा बड़ा अपना कराया नहीं है, गल्प वृक्ष के नीचे जो पहुँच जाए वो लाभान्वित होता है। संसेवया सुरतरे उरते प्रसाद सेवानुरूपम उदय न परावर्तम, इसमें बड़ा छोटा तो सेवा की अनुरूपता से होती है और भगवान तो कल्प वृक्ष के समान बैठे हैं जो उनके पास चला जाए। तो महाराज देखो नारद जी ने हमारे ऊपर जब मैं गर्व रखा, न हमारे अंदर श्रद्धा थी,
न सेवा थी न प्रणिपात था, हम सत्संग के लिए क्या कर सकते थे। लेकिन आपके भक्त नारद जी ने हमको अपना लिया। अब बताओ कि जब इतने कृपालु होते हैं संत की एक गर्भस्थ शिशु का भी कल्याण कर दें, तो कथम निधि से जे तब वृत्त सेवा, हम तुम्हारे सेवक की सेवा को कैसे छोड़ सकते हैं। तो बाबा जब लेकर के खड़ग तलवार लेकर हमारे पिता खड़े हुए तुम्हारा सिर काटते हैं, तो तुमने स्वयं प्रकट होकर के हमारी रक्षा की, और इस विश्व सृष्टि के मूल में तुम हो, मध्य में तुम हो, अंत में तुम हो, ये सब जो कुछ दिखाई पड़ रहा है ये सब का सब तुम्हारा शरीर है। वेद ये अचार हो तुम, उतार हो तुम, अचार हो तुम, अर्धमात्रा हो तुम, बिंदु हो तुम, नाद हो तुम, लय हो तुम, साक्षी हो तुम, निर्विशेष अधिष्ठान हो तुम, और आप ही धर्म की रक्षा करने वाले हो। प्रभु दुख तो ये है कि हमारा मन आपकी कथा में नहीं लगता, कथा ही आपको हमारे हृदय में प्रकट करने वाली एक वस्तु है। न आंख करे, न नाक करे, और न जीभ करे, न त्वचा करे, केवल एक कान ऐसा है कि इससे भगवान की कथा सुनी जाए तो हमारे हृदय की बनावट ऐसी हो जाती है कि उसमें भगवान प्रकट हो जाए, तो उसमें हमारा मन लगता नहीं है, ऐसा पापी और इधर उधर भटकता है। जीभ कहती है इधर चलो स्वाद मिलेगा, मित्र इंद्रिय कहती है वहां चलो मजा मिलेगा, त्वचा पेट वहां कहते हैं चलो मजा मिलेगा। इस तरह से जैसे एक पुरुष के बहुत सी पत्नी हो और कोई पल्ला पकड़ के इधर घसीटे उधर घसीटे, लोग समझते हैं कि हमारे संबंध बढ़ेंगे, रिश्ते बढ़ेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। जावत पुरुते जंतु संबंधान मनस प्रिया पावंतो निखन्यंते हृदय शोक संकय। मनुष्य दुनिया में अपना जितना रिश्ता नाता बढ़ाता है, वो एक एक रिश्ता उसके दिल में कील होकर के चुभता है, और समय समय पर वो घासी की तरह तकलीफ देता है। संसार में संबंध जितना होगा मनुष्य का, जितने रिश्तेदार नातेदार होंगे, उतने ही उसका दुख बढ़ेगा। तो प्रभु हम देखते हैं कि जैसे बहुत सी सौतें एक पुरुष को तकलीफ दें, पल्ला पकड़ के खींचे, चोटी पकड़ के खींचे, धोती पकड़ के खींचे, ऐसी ये इंद्रियां हमको इधर से उधर पकड़ के खींच रही हैं, हम भवपरणी में गिर रहे हैं। अब प्रभु आप ही रक्षा करो, तुम्हारे लिए कोई कठिन काम नहीं है, बस तुम्हारे प्रिय भक्तों की सेवा प्राप्त हो जाए तो इस संसार से पार हो जाए, इसका भी हमको डर नहीं है। क्योंकि प्रभु ये जो आपके विमुख लोग हैं वो संसार का भार दे रहे हैं, हमको दया आती है, इनको छोड़ करके हम कैसे अकेले मोक्ष ग्रहण करें। नैतान विहाय कृपणान बिनु मुक्षे एकः। कहते हैं महाराज नरसिंह जी ने कहा कि प्रहलाद क्या चाहते हैं, तो प्रहलाद ने कहा महाराज हम चाहते हैं कि सबकी मुक्ति हो जाए। बोले अरे भाई सबकी मुक्ति हो जाएगी तो ये हमारी लोक लीला कैसे चलेगी, जो मुक्ति चाहे उसकी न मुक्ति हो, तुम जाओ दुनिया में से बटोर के ले आओ, जो चाहता हो उसको मुक्ति दे देंगे। तो प्रहलाद जी महाराज निकले, भाई तुमको मुक्ति चाहिए, बोले अभी तो बेटे का ब्याह करना है तो तुमको मुक्ति चाहिए, अभी तो बेटी का ब्याह करना है तो महाराज जरा वंश चल जाए तो जरा कमाई ठीक हो जाए। अब ये महाराज जरा जरा में वो कभी जरा आता है, कभी मनुष्य संसार से निश्चिंत तो होकर, ये इसका वृक्ष नाम इसीलिए रखा गया है पेड़, कि काटने से जो मिटे इसका नाम वृक्ष होता है, अपने आप इसकी परंपरा नहीं मिटेगी। जहां वो वृक्ष छेद में दृश्यते इसी वृक्ष, जब स्वयं संकल्प करके काटोगे तब कटेगी, तो ये सोचे कि दुनिया का सब काम पूरा हो जाएगा है, तब हम इसको छोड़ेंगे तो दुनिया में कोई छोड़ नहीं सकता। अब महाराज कोई नहीं मिला प्रहलाद जी को, तो एक सुअर के पास बोले कि हे सुकर राज आप मुक्ति पद पर चलिए, वैकुंठ में चलिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम चलेंगे, लेकिन हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, उनको यहाँ छोड़ के तो हम कैसे जाएंगे। तो बोले सबको ले चलो। बोले ये तो बढ़िया बात है, आओ सबको लेकर चलते हैं।
और फिर महाराज जब घर में गया तो घर वाले ने बहुत विरह किया, है ना, वहां घूमने फिरने की जगह है कि नहीं, बोले है ठीक, सब पूछा, सब संतोष हो गया। फिर उसने पूछा कि हाँ हमारे खाने पीने की वस्तुएं हैं कि नहीं, बोले बैकुंठ में तो नहीं होती हैं। उसने कहा बस यही देखो पुरुष लोग जो चुप होते हैं, जाने को तैयार हैं बैकुंठ में और वहां खाने का कोई बंदोबस्त ही नहीं है, हम नहीं जाएंगे। अब महाराज पत्नी ने मना कर दिया, पत्नी ने मना कर दिया तो पुरुष भी ऐसे ही, उसने कहा प्रहलाद जी हम तो नहीं जाएंगे। तो प्रहलाद जी ने सिर फेंक लिया कि हम लोगों को मोक्ष हो मोक्ष हो इसके लिए डोंगी पीसते फिरते हैं और यहाँ दुनिया में तो कोई मोक्ष चाहता ही नहीं है। सो बाबा भगवान की कृपा के बिना ये खुजली जो हो रही है ना शरीर में, खुजली ये कहते हैं ये जो जननेन्द्रिय रसनेन्द्रिय फिर खटाई डालते हैं, फिर नमक डालते हैं, फिर मिठाई डालते हैं और उसको स्वाद मिलता है, ये तो दाद खुजलाने से जैसा सुख होता है ऐसा ही है, मूत्रेन्द्रिय का सुख भी ऐसे ही, स्पर्श जन्य सुख भी ऐसे ही है, कम भी अमेन करवे दुख दुखा, जैसे महाराज हाथ में दाद हो जाए और उसको खुजलाएं तो मजा आता है, लेकिन मजा होने के बाद दाद और बढ़ जाता है। इसी प्रकार दुनिया के विषयों का जब भोग करके उनसे सुख लिया जाता है तो वो बढ़ते ही जाता है। बोले बड़े मौनी बाबा, एक मौनी बाबा था तीन बरस के लिए, एक बरस के लिए एक बार काश मौन थे, तो महाराज ऐसी समय पर मैं पहुंचा कि उनके पास कोई नहीं था और तो एक बरस के लिए मौन था, मैंने हाथ जोड़ा कि दादा आप तो एक बरस के लिए काश मौन हो, अब हम तो प्रणाम करके जाते हैं। तो उन्होंने आके हमारा हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के अपनी कुटिया में ले गए और तैयारी बंद करके महाराज तीन घंटे तक वे रगड़ा है बात चीत में कि मैं नया था तो अच्छा था। अरे हे भगवान, तो ये मौन है, व्रत है, विद्याध्ययन है, तपस्या है, स्वधर्म है, व्याख्यान है, एकांत बात है, जप है, समाधि है, ये सब मोक्ष के साधन हैं। लेकिन महाराज जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है उनके लिए ये सब जीविका के साधन है। और यदि दंभी हो ना, दंभी पुरुष के लिए तो जीविका भी चले कि नहीं चले, धर्म के साथ जब जीविका जुड़ जाती है तो धर्म का रूप कलुषित हो जाता है। तभी होता है दूसरे मंदिर में कोई न जाए हमारे मंदिर में आए, हैं? दूसरी कथा में न जाए हमारी कथा में आए, क्यों? वो अपनी जीविका के लिए ही आग्रह होता है। एक देवी यहाँ समझौता बैठी है, वो वृंदावन के एक आश्रम में गई तो जिस आश्रम में ठहरी थी उन्होंने मना किया कि अमुक जगह मत जाना, कथा सुनी हमारी सुनना, हमारे आश्रम में ठहरना तो दूसरे आश्रम में कथा सुनने मत जाना। एक बार दो बार तीन बार फिर जल गया हो और कुछ और अच्छा कर देवी जी के हाथ पर रख लिया कि संकल्प करो कि हम दूसरी जगह नहीं जाएंगे। तो उसने कहा कि मैं संकल्प करती हूँ कि अब तुम्हारे आश्रम में कभी नहीं आऊंगा। तो ये धर्म के साथ जब जीविका का संबंध जुड़ जाता है तब इसमें अपने और पराये का भेद आ जाता है। तो महाराज परमात्मा का स्वरूप ही सब है। ओम बाल रव निर्दय बंधु मात्रा प्राणेन्द्रियाण हृदय चिदनुग्रहस्य सर्वं त्वमेव सगुणो विगुणस्य भूमन नान्यत् सदस्यति मनो गतसा निरुक्तम। वायु अग्नि जल पृथ्वी जो कुछ है सो सब परमात्मा का स्वरूप है, वही सगुण और वही निर्गुण, जो मन वाणी से कहते हैं तो भी वही और जो नहीं कहते हैं तो भी वही, ये सब परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए भगवान का एक तो भगवान के चरणों में नमस्कार करो, दूसरे वाणी से उनकी स्तुति करो और तीसरे सब कर्म उनके प्रति अर्पित करो और चौथे उनकी पूजा करो और पांचवें उनके चरणारविंद का स्मरण करो और छठे उनकी कथा का श्रवण करो। अगर ये छह नियम आप अपने जीवन में धारण कर लेते हैं तो भगवान की भक्ति आपके हृदय में आ जाएगी। प्रहलाद ने कहा हमको तो आपका दास चाहिए। जब प्रहलाद ने महाराज ऐसी स्तुति की तो बोले प्रहलाद मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ, अब दर मांग ले, मेरा दर्शन तो बड़ा दुर्लभ है,
श्रेष्ठ काम जो साधु लोग हैं जो सर्वभावना मुझे संतुष्ट करते हैं, तो इस तरह से नाराज भगवान ने प्रलोभित किया प्रहलाद को। प्रलोभित नहीं किया हो हमको मालूम है ना। भगवान ने कहा कि हमारा भक्त कितना निस्वार्थ प्रेमी होता है इस बात को दुनिया देख ले। तो भगवान अपने भक्त को छेड़ के उसके दिल में जो छिपी हुई बात होती है उसको प्रकट कर देते हैं। ईश्वर कभी किसी की परीक्षा नहीं लेता। परीक्षा लेने वाला तो अज्ञानी होता है। हम कहते हैं भगवान परीक्षा ले रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं, और समझ में ना आए कि लड़के ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा तो परीक्षा लेके देख ले। भगवान की तो समझ में सब आता है। वो तो उसके भीतर कितनी सहिष्णुता है, कितनी समता है, कितना प्रेम है उसको उगलवाते हैं भगवान कि जिससे दुनिया के दूसरे लोग भी उसके लाभ उठाना है। प्रहलाद ने कहा महाराज हमको ये सब कुछ नहीं चाहिए, ये क्या मांगने को कहते हो, ये तो सब भक्ति का विघ्न है। मैं तो उत्पत्ति से ही संसार में आसक्त हूँ, अब आप प्रलोभन क्यों देते हैं। विषयों के आसक्ति के डर से विरक्त होकर तुम्हारी शरण में आया हूँ। सचमुच आप हमारे सेवक का क्या लक्षण होता है ये दिखाने के लिए आप डर मांगने के लिए कहते हैं। ये तो संसार का बीज है, हृदय ग्रंथि है। नहीं तो आप जैसा दयालु और डर मांगने के लिए कहे शोभा नहीं देता है और उचित नहीं लगता है। क्योंकि जो तुमसे अपनी कामना की पूर्ति चाहता है वो आपका सच्चा सेवक नहीं है। ये तो संसार में ऐसा होता है ना, कहा भाई उनके घर में जहाँ पड़ा था तो हमारे घर में कई लड्डू आए थे, बारह में तो बोले चार आए थे, तब बोले तब तुम भी चार भेज दो मैं तीन में पा। ये लेन देन का जो व्यापार है ये संसार में होता है, भगवान के साथ नहीं होता है। जो भगवान की सेवा करके और उससे अपनी आशाएं पूरा करना चाहता है वो भृत्य नहीं है, वो तो व्यापारी है। और जो भृत्य चाहता है वो सच्चा सेवक नहीं है। और जो राजा और सेवक के समान महाराज इस स्वार्थ को बीच में रख के काम करता है वो तो राजा रहु है। यदि आप हमारी कामना पूरी करना चाहते हैं, अब देखो ये प्रहलाद की बात ध्यान देने योग्य है। अमित है, ये शरणाक्षरों में लिख कर रखने के योग्य है हृदय में। कहे प्रभु यदि आप हमें दर देना चाहते हैं तो ठीक है दीजिए। क्या दें, कामानां हृदय संग्रोहम भवतस्तु ग्रहे वरम। हमारे हृदय में कभी कुछ मांगने की इच्छा ही न, आप उस इच्छा का उदय ही रोक दीजिए जिससे हमको दीनहीन होकर के अरे परमात्मा का स्वरूप मांगने जाए। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परिपूर्ण मांगना कहीं अपना स्वरूप है। बड़े आदमी का नौकर होते और पड़ोसी के घर में साबुन की टिकिया मांगने जाए तो बड़े आदमी की सेवा का क्या फल होता है। तो नहीं उससे भी नहीं मांगना, मालिक स्वयं एकदम ख्याल रखता है। तो हमारे मन में मांगने की कोई जागृत न हो, ये कामना हृदय में आई और सारा दैव है नष्ट हुआ और कामना मिटी और जी ईश्वर हो गया। ये कामना के बस दार बराबर का फर्क है, जिसके दिल में कामना वो जीव और जिसकी कामना मिट गई वो ईश्वर। सर्वयोग सुंदरी का अक्षर भगवत प्राय कल्पते, जी उसी समय ईश्वर हो जाता है जब उसके मन से कामनाएं मिट जाती हैं। नमस्कार है अद्भुत सिंह को। नरसिंह भगवान का सचमुच मेरे जो एकांती भक्त होते हैं ना, जो सचमुच मुझसे इच्छा नहीं करते हैं, फिर भी राजा प्रहलाद एक मनवंतर का राज्य से तुम ले गए, मेरी कथा सुनना और मुझ में अपना मन लगाना, सब में परमेश्वर को देखना और योगे नित्य कर्म हिंगन और योगाभ्यास, आपको कभी कोई भी कष्ट आए और भगवान के स्मरण में मग्न हो जाइए, भगवान के स्मरण में मग्न हो जाइए और कष्ट बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल निश्चित बात है। भोगे न पुण्यम कुशले न पापम कलेवरम काल जगे न हितवा कीर्तिम विशुद्धाम त्रिलोक दीपा मुक्त बंधु करते हैं। पुण्य का फल आए, पुण्य का फल सुख है, रुपया पैसा नहीं है। हो स्त्री पुत्र रुपया पैसा ये तो वासना वालों को सुख देते हैं या दुख देते हैं। असल में पुण्य का फल है सुखाकार वृत्ति
और ये बाहर के पदार्थ तो उसके केवल निमित्त बनते हैं। एक आदमी धर्मात्मा हो सकता है लेकिन उसकी वृत्ति सुखाचार नहीं हो सकती, ये बड़ी विचित्र बात है। धनवान खुद होगा, धन दूसरी चीज है और धन का सुख होना ये दूसरी चीज है। पूर्व जन्म के पुण्य से धन आ जाएगा लेकिन अंतःकरण में सुखाचार वृत्ति का उदय नहीं होगा। बहुत लोगों को मैं जानता हूँ धन है लेकिन सुख नहीं है, और बहुत लोगों को जानता हूँ महाराज सुख उनके पास खूब है परंतु धन नहीं है। सुख और धन इन दोनों का परस्पर कुछ खास संबंध नहीं है। धनी लोग दुखी देखे जाते हैं और निर्धन लोग भी सुखी देखे जाते हैं, तो जरा इनका विवेक कर लेना चाहिए। बिना धन परिवार के भी सुखी रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। भोगे नपुण्यम कुशले न पापम, आपके घर में सुख आवे तो बांटिए तब तो आप सुखी होंगे, इकट्ठा करेंगे तो बिल्कुल दुख से दुखी हो जाएंगे। आए हुए सुख को तिजोरी में रखेंगे, इकट्ठा करेंगे तो बाद में कोई न कोई दुख लेके वो आएगा, और यदि अपने सुख को आप बांटते जाएंगे तो कभी दुखी नहीं होंगे। और दुख आए तो अंतर्मुख एकदम भगवान के ध्यान में मगन हो जाइए, दुख आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। ये कौशल है वो। एक बार हम लोग दादा के साथ ग्वालियर की तरफ जा रहे, रास्ते में एक जगह बड़े जोर से आंधी आई, बालू उड़ने लगा और बोले कि बैठ जाओ। अब सब महाराज बैठ गए, बोले अपना सिर ढक लो, कपड़े से ढक लो, सब भजन करो। अब महाराज आंधी आई, बालू उड़े, हैं घंटे घर में आंधी शांत हो गई और लोगों का घंटे भर का भजन हो गया, विश्राम हो गया। बोले अब जब आंधी गई तो बोले अब चल पड़ो, जब आंधी आवे तो बस। हम एक महात्मा के पास गए दोपहर में, बड़ी लू चल रही, बोले बस भीतर आ जा, बाहर बहुत लू है भीतर आ जा। बाहर जब दुख की आंधी बहने लगे तो उस समय बस आंख बंद करो चाहे खोलो और अपने हृदय में जो परमेश्वर हैं उनके पास जा करके बैठ जाओ। अब महाराज इस तरह से नृसिंह भगवान की कथा, प्रहलाद ने कहा कि महाराज आप दर देने को कहते हैं तो हमारे पिता की सदगति हो जाए। नरसिंह भगवान ने कहा कि बाबा तुम्हारे पिता की तो सदगति कभी की हो गई, एक जन्म नहीं, और तुम्हारे जैसा पुत्र हो जाने से जैसे अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी के साथ पवित्र हो गया कि तुम्हारे शरीफा भक्त उनके घर में हुआ, जहाँ हमारे भक्त होते हैं वहाँ कभी कल्याण नहीं होता। जब जाकर अंत्येष्टि क्रिया करो और तुम ये पिता के स्थान पर बैठो, अपना मन मुझमे लगाओ और मेरे लिए सारे के सारे कर्म करो। प्रहलाद ने भी वैसे ही किया महाराज। अब ब्रह्मा जी आए तो भगवान ने डांटा कि देखो हिरण्यकशिपु को जैसा दर दिया था वैसा दर किसी को नहीं देना। तो ये तो उसका पुत्र बड़ा महाभागवत हुआ, साधु हुआ। इस तरह से महाराज ये वर्णन किया, ये भगवान का स्वभाव है। महाराज प्रहलाद तो हो गए दैत्यों के प्रति, अनेक प्रसंग आते हैं प्रहलाद के जीवन के ऐसे। एक बार सब दैत्य इकट्ठे हुए, बोले कि प्रहलाद जो अपने बाप को मारे उससे बदला लेने से, ये हमारे वंश की मर्यादा है। बोले कहो कैसे बदला का, बैकुंठ पर चढ़ाई करें। अब सब दैत्य मिल करके महाराज उन्होंने चढ़ाई कर दी बैकुंठ पर, चली सेना प्रहलाद की दैत्यों की, वो महाराज कौली कली के पार पड़ी के अस्त्र शस्त्र से सज्जित। बीच में एक आ गया ब्राह्मण, उसने कहा कि प्रहलाद हमको ठंड के दिनों में लकड़ी की जरूरत होती है काटने के लिए, एक पेड़ गिरा है थोड़ी दूर पर, वो जरा मंगवा दो। उसको 10 सैनिक भेजे, नहीं आया, 100 भेजा, 1000 भेजा, सही नहीं लकड़ी नहीं थे। तो प्रहलाद खुद चले तो ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारी इतनी बड़ी सेना एक गिरे हुए पेड़ को नहीं उठा सकती है, तुम विष्णु पर कैसे विजय प्राप्त करोगे? तो विष्णु पर विजय प्राप्त करने का उपाय ही नहीं है, दूसरा है। तो क्या है? तो ध्यान करो विष्णु पर। तो प्रहलाद ध्यान करने बैठे और वो चतुर्भुज हो गए, शंख चक्र गदा पद्मधारी पीतांबर धारी। उनको इस रूप में देख करके दैत्यों की सेना भी ध्यान करने बैठ गई और सब नारायण रूप हो, नारायणी सेना सब को सब नारायण, जो ध्यान करोगे सो हो जाओगे। जी भगवान, अब देवता लोग झगड़ाए कि इतने नारायण होंगे तो हमारी क्या गति होगी। जो महाराज बैकुंठनाथ के पास गए, वो गरुड़ पर चढ़ के आए,
और प्रहलाद से बोले कि प्रहलाद वर मांगो, तो बोले कि महाराज आप शरीफा शरीर से हमारा हो गया लेकिन आप शरीफा ज्ञान हमको नहीं दे, वो ज्ञान हमको दे दे, वो ज्ञान हमको दे दे। वो ले लो अन्नमय कोश से लेकर के और आनंदमय कोश तक का विवेक होकर के तुम्हें ब्राह्मी स्थिति प्राप्त हो। अब प्रहलाद को विवेक होने लगा, मैं अंत शरीर नहीं हूँ, प्राण नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ। जो विवेक होने लगा तो ध्यान टूट गया, शरीर नारायण का नहीं रहा। दैत्यों ने कहा इन्होंने ध्यान छोड़ दिया, तो उन्होंने ध्यान छोड़ दिया, फिर दैत्य के दैत्य हो गए और प्रहलाद को ब्रह्मानुभूति हो गई। एक कथा आती है, एक प्रहलाद के राज्य की बहुत कथाएं हैं, न्याय में बड़े निपुण थे महाराज। एक बार एक केसरी नाम की लड़की थी, उस पर विरोचन आसक्त हो गए और उधर बृहस्पति का बेटा कच भी आसक्त हो गया। दोनों जाकर लड़की से कहा कि तुम हमारे साथ ब्याह करो। पुराणों में तो कथा है, केशिनी लड़की का नाम था केशिनी, बड़े सुंदर सुंदर बाल थे उसके, बाल देख के घबराना नहीं थे। अब महाराज ये तय हुआ कि जो श्रेष्ठ होगा उससे विवाह होगा और जो कनिष्ठ होगा वो मारा जाएगा। केशिनी ने कहा हम श्रेष्ठ से विवाह करेंगे और कनिष्ठ मारा जाएगा, नहीं रहेगा तो फिर दर्द रहेगा। अब महाराज न्याय कौन करे, तो बोले चलो प्रहलाद जी के पास। प्रहलाद जी देखते ही महाराज ब्राह्मण के लड़के को, बृहस्पति के पुत्र कच को झट उठ के नमस्कार किया, सिंहासन पर बैठाया और अर्घ काव्य दिया, आतिथ्य सत्कार किया। फिर प्रश्न आया कि प्रहलाद जी न्याय करो, जो श्रेष्ठ होगा उसका केशिनी से ब्याह होगा, जो कनिष्ठ होगा वो मारा जाएगा। बोले न्याय तो हो गया महाराज, जिसको देख के मैं उस पूछ के खड़ा हो गया है, वही श्रेष्ठ है, तो कच श्रेष्ठ है। न्याय कर दिया प्रहलाद ने, हमारा बेटा नहीं, ये न्याय। अब महाराज ये हुआ कि प्रहलाद का बेटा विरोचन मारा जाएगा, तो प्रहलाद ने अपने बेटे को पकड़ के ले जाके कच के पांव पर गिरा दिया। बोले महाराज अब ये आप समूह के बेटे को ले जाओ, आपको मारना हो मारो, जुलाना हो जुलाओ, हमने तो न्याय कर दिया। तो कच उस समय कहते हैं कि यदि आप तरीके धर्मात्मा को जो दूध का दूध पानी का पानी इतना पवित्र न्याय करता है, धर्मात्मा है, यदि उसको न्याय करने पर पुत्र शोक मिला तो दुनिया में फिर न्याय की परंपरा का लोप हो जाएगा है, इसलिए हम आपके पुत्र को अपना स्वीकार करके छोड़ देते हैं, ये आपको पुत्र की मृत्यु का शोक नहीं भोगना पड़ेगा। ये महाराज इस तरह से पुराणों में एक नहीं है ना, एक नहीं ऐसी प्रहलाद के बारे में सौ कथाएं हैं। और उनका राज्य हुआ महाराज दैत्य दानों के वो स्वामी हुए, भगवान थोड़े दिन रहे प्रहलाद के पास हो। और उसकी कथा दूसरी है वो अब नहीं सुनाते हैं महाराज, क्योंकि उसमें लड़ाई झगड़े की बहुत सारी कथा। अच्छा उपनिषद भी एक सर्वोपनिषद है ना, उसमें भी कथा है, नरसिंहोपनिषद भी है, नरसिंह तापनी है, पूर्व तापनी है, उत्तर तापनी है, बड़ी बड़ी कथाएं हैं। तो महाराज यही बाद में रावण कुंभकर्ण हुए, यही बाद में शिशुपाल दंत वक्त हुए और ये सब भगवान को प्राप्त हुए। भगवान की अवतार कथा बड़ी पुण्य है, तो ये सब का सब ये बड़ा पुण्य आख्यान है, इसके श्रवण से मनुष्य का कल्याण होता है। ये श्लोक कुछ दो तीन ऐसे हैं जो फिर सातवें स्कंध के अंत में दोबारा आते हैं, और ये श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित का अभिनंदन करते हैं। कहते हैं ये भगवान बड़े कृपालु हैं, बड़े कोमलशील हैं। देखो तुम्हारे घर में तो आके सेवक बन करके बैठे हैं, ब्रह्मा शंकर ध्यान में ढूंढे और यहाँ तुम्हारे घर में लोगों का पांव धोने का काम करे। आप जानते हो ना युधिष्ठिर के यज्ञ में भगवान ने आगत अतिथियों के पांव धोने का काम किया था। वो असल में बड़ा वही होता है जो दूसरों की सेवा करते समय उसकी छोटी से छोटी सेवा कर सकता है, जो छोटी सेवा करेगा वही बड़ा होगा। अब वर्णन करते हैं कि देखो वही परमात्मा का स्वरूप है जिसको महात्मा लोग ढूंढते रहते हैं। तो एक बार शंकर जी के जस पर कीर्ति पर कलंक लगते लगते बचा, इन्होंने ही बचा दिया। तो कैसे बचा दिया, एक बार देवताओं ने असुरों को युद्ध में जीत लिया,
तो वो सब गए मय की शरण में। उसने एक सोने की चांदी की और लोहे की कक्षा थी राज थी स्थान थी पूरी बना के दे दी और महाराज दिखते ही नहीं थे कैसे तोड़े जाए कब आके हमारे सिर पर सवार हो जाए उनकी सामग्री दुष्कर किया। अब तो महाराज देवता लोग जो हैं वो उसको नष्ट करने की कोशिश करें और नष्ट ही न हो। तब ये सब के सब महाराज शंकर जी की शरण में गए। शंकर जी की शरण में गए तो वो धनुष बाण लेकर के आ गए और युद्ध होने लगा महाराज। तो ये नया सुर ऐसी माया रहते कि जा करके अब वहाँ अमृत था जितने असुर मरे सबको उस अमृत के कुंड में डाल दे जिंदा हो जाए। शंकर जी खिन्न हो गए। तब भगवान विष्णु जो है वो देश बदल करके वो आ करके शंकर जी की बाढ़ पर बैठे और ब्रह्मा ने जा करके उस क्या नाम है अमृत कुंड को पी लिया। तब त्रिपुरासुर को मार सके शंकर भगवान तीनों पुरी को जला सके। तो ये जो रक्षा है इस प्रकार भगवान की ऐसी लीला है कि ये अपने भक्तों की रक्षा समय समय पर करते रहते हैं। अब आगे वर्णन करते हैं तो युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज अब हम धर्म की बात सुनना चाहते हैं। सनातन धर्म बिल्कुल उद्यम मानो धर्म के दो रूप होते हैं हो एक कालिक व्यवस्था के अनुसार होते हैं और एक शाश्वत तत्व के आधार पर शाश्वत जीवात्मा के लिए होता है। तो जीवात्मा के परम कल्याण के लिए जो धर्म होता है उसको सनातन कहते हैं। उसमें धर्म के अनुसार आश्रम के अनुसार आचार होता है और ब्रह्मा जी ने स्वयं उसका उपदेश किया है। तो आप जैसे नारद जैसे महापुरुष ही उसका वर्णन कर सकते हैं। बोले प्रभु को नमस्कार करके मैं नारायण से सुने हुए धर्म का वर्णन करता हूँ। ये देखो आज ही बदल के आश्रम में ले रह करके जगत का कल्याण करते हैं। धर्म के मूल हैं भगवान श्री हरि यही सर्व वेदमय है माने वेद रूप से वे धर्म के मूल है इसका अर्थ होता है। और जो वेद को जानते हैं उनकी स्मृति भी धर्म है और जिसके अंतःकरण की शुद्धि हो वो भी धर्म है और जो महापुरुष लोग जिस रास्ते पर चलते हैं उसका नाम भी धर्म है। तो इसको ये बोलते हैं कि स्मृति के अविरुद्ध स्मृति और स्मृति स्मृति के अविरुद्ध सदाचार और सदाचार के विरुद्ध जो अपनी ही पसंद है तब वो भी धर्म होता है। असल में धर्म माने जो अंतःकरण को शुद्ध करे कला नकल करती है और विज्ञान नया बनाता है आविष्कार करता है और श्रम वस्तु का निर्माण करता है और धर्म अंतःकरण में परिवर्तन करता है अंतःकरण को शुद्ध करता है। इसका दया तपस्या पवित्रता सहन शक्ति विवेक श्रम दान अहिंसा ब्रह्मचर्य दान स्वाध्याय ये 30 लक्षण यहाँ धर्म के बताए प्रिंसल लक्षणान धर्म ये 30 लक्षण हैं धर्म के नाम एवं करो धर्म सर्वेशां सर्वेशां समुदाय होता है। ये 30 लक्षण इसके धर्म हैं तो इसी से सर्वात्मा भगवान संतुष्ट होते हैं। संस्कारों की परंपरा जिनमें अविच्छिन्न होती है उसको वेद कहते हैं। विद्या अध्ययन विद्या अध्ययन दान यज्ञ करना अध्ययन करना दान करना ये सब द्विजों का धर्म है और कराना पढ़ाना दान लेना ये ब्राह्मणों की जीविका है। ये धर्म नहीं है जीविका है ब्राह्मणों की। धर्म तो वह है जो अपने कल्याण के लिए किया जाता है और जीविका वो है जो दूसरे को धर्म के मार्ग पर चला करके अपना लौकिक व्यवहार शुद्ध किया जाता है। श्री महाराज इस तरह से शूद्र के लिए तो गर्म धर्म होते हैं और विजन्मा के लिए गजना ध्यान दान आदि होते हैं और ये सत्कर्मा ब्राह्मण होता है। जागरण अध्यापन प्रतिग्रह जीविका होती है और क्षत्रिय जो है वो विपत्ति काल में केवल जागरण अध्यापन कर सकता है। भविष्य की कृषि वाणिज्यादि वृत्ति होती है जहाँ तक हो सके महाराज अयाचित वृत्ति से अपना काम चलाना चाहिए। और नीच पुरुष जो है वे उत्तम वृत्ति को कभी स्वीकार न करे और राजा भी
विपत्ति से विपत्ति में भी प्रतिज्ञा तो ले सकता है, लेकिन दूसरी वृत्ति का सेवन वो न करे जहाँ तक हो सके हरित वृत्ति से अमृत वृत्ति से अपना जीवन चला रहे, और यही सबसे बढ़िया है। ब्राह्मण के लक्षणों में काम दम मन की शांति इंद्रियों की शांति तपस्या पवित्रता संतोष दया सरलता ज्ञान सत्य ये मुख्य है। और युद्ध में उत्साह वीर्य धैर्य तेज दान आत्मजय क्षमा ब्रह्मण्यता अनुग्रह रक्षा एक क्षत्रिय के लक्षण है। और देवता की भक्ति धर्म अर्थ काम का पालन नित्य उद्योग उत्साह होना चाहिए। सफलता जो है वो मनुष्य के उत्साह में निवास करता है, कभी आलसी होकर नहीं पढ़ना चाहिए तो हमेशा उत्साह ये भविष्य का लक्षण है। और सैनिक स्वामी की सेवा नमस्कार मंत्र इत्यादि ये सब कुदरते धर्म है। और पति की सेवा उसके भाई बंधुओं को भी प्रसन्न रखना उनकी भलाई का काम करना नियम से रहना ये सब स्त्री के धर्म होते हैं। स्त्री को घर की सब जिम्मेवारी लेना चाहिए, सफाई करना लेप देना और स्वयं ये नहीं कि बाजार में जाए तो खूब सज धज के जाए धन फन के चमचम चमकती हुई और घर में रहे तो ऐसा बाल भी तेरे और ऐसा गंदा कपड़ा पहने और कि पति के मन में भी ग्लानि हो जाए। नहीं बाबा अपने पति के मन को ही तो काबू में करना है, बाजार के मन को अपने काबू में थोड़े करना है। अपने घर में ऐसे ढंग से रहना चाहिए कि सब लोग उससे प्रसन्न रहे और सबका मन उसकी ओर खिंचता रहे। स्वयं से मंदता नित्यम परिमृष्ट परिच्छा घर में स्त्री को वस्त्राभूषण धारण करके रहना चाहिए और साफ सुथरा रहना चाहिए, नहीं तो घर में गंदी दिखेगी तो उसको अच्छी देखने के लिए बाजार में जाना पड़ेगा। बाजार में जाती है तो खूब चमकती है खूब अच्छी दिखती है और घर में रहती है तो गंदी संदी दिखती है। तो नहीं नहीं स्त्री को ऐसा नहीं चाहिए, नाराज स्त्री में अपने पति को प्रसन्न करने की योग्यता रहनी चाहिए। विनय हो अपने इंद्रियों का दमन हो और कभी झूठ न पकड़ा जाए, ऐसा नहीं कि नहीं तो आइडिया बिगड़ जाएगा ना ख्याल की हमसे झूठ बोलती है तो अविश्वास हो जाएगा। और प्रेम से सब बात करनी चाहिए और जिद नहीं करनी चाहिए। आंसू से काम नहीं बनाना मुस्कान से काम बनाना, और तीर आंसू का हमेशा काम नहीं देता तब तक कोई दया करेगा है ना, और मुस्कान का तीर हमेशा काम करता है। जब दूसरा खुश हो जाएगा तब काम देगा, रोने से भी रोने लगेगा क्या तुम्हारा काम। संतुष्ट रहे और बहुत लोभ न करे, धर्म की सब बात समझे। और नौकर चाकर जो काम करते हैं ना वो सब घर की स्त्री को आना चाहिए, जब वो ठीक न करते हैं तो कह तो देखो हम करके दिखाते हैं है ना, झाड़ू ऐसे लगता है रोटी ऐसे बनती है सफाई ऐसे होती है। जब नौकर को ये मालूम होगा कि बहू जी हमसे ज्यादा जानती हैं तब उनके सामने वो ठीक काम करेगा और वो समझेगा कि बेवकूफ है हम रोटी जला देंगे तो वो जली रोटी खाएंगे क्योंकि इनको अच्छी बनाना ही नहीं आता। और तो अप्रमत्ता सूची में से हम कब ये नहीं कि हम ये काम भूल गए हमको याद ही नहीं आई है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। और देखो अगर मूर्ति में ईश्वर होता है तो पति में ईश्वर तो नहीं हो सकता, इसलिए बड़े प्रेम से उसका भजन करना चाहिए। इस तरह महाराज ये युग युग में धर्म प्रायः परिस्थिति के अनुरूप होता है, लेकिन जो सत्य धर्म है सच्चा धर्म है मन को पवित्र करने वाला वो तो हमेशा ही एक साथ रहता है, इसलिए सर्वदा धर्म का ठीक ठीक पालन करना चाहिए। अब ब्रह्मचारी के धर्म का वर्णन है कि वो गुरुकुल में रहे महाराज तो ये न कहे कि हम ब्राह्मण हैं बड़े विद्वान हैं अपने बड़प्पन की जीव न हाके दासवद गुरुर हितं कुर्यात्, सेवक की तरह ब्रह्मचारी को गुरु के पास रहना चाहिए। सायंकाल प्रातःकाल गुरु अग्नि सूर्य की उपासना करनी चाहिए, संध्या करना चाहिए, थोड़ी देर मौन रहना चाहिए और गुरु पढ़ाना चाहे तब पढ़ा, ये नहीं कि पोथी लेके सिर पर सवार हो गए कि तुम्हें पढ़ाना ही पड़ेगा, उनका मूड पढ़ाने का हो तब पढ़ना चाहिए और हमेशा पवित्र रहे। और जो ब्रह्मचर्य का नियम ले चुका है उसको स्त्रियों के बीच में ज्यादा नहीं रहे, थोड़ा खाए इंद्रियों को बस में रखे। और लोभी पुरुष और स्त्री
इनके साथ जितना प्रयोजन हो उतने समय का व्यवहार रखे, आवश्यकता से अधिक व्यवहार न रखे। और यदि ब्रह्मचर्य का व्रत ले ले तो स्त्रियों की चर्चा नहीं करनी चाहिए, इनसे अपना बाल नहीं सुधरवाना चाहिए, शरीर में तेल नहीं लगवाना चाहिए, स्नान में मदद नहीं लेनी चाहिए, है ना। और अपनी गुरु की स्त्री से भी ऐसा नहीं करवाना चाहिए, औरों की तो बात ही क्या, क्योंकि स्त्री जो है वो आग के समान है और पुरुष का शरीर जो है वो घी के घड़े के समान है, इसलिए एकांत में इनके साथ ज्यादा नहीं रहना चाहिए। जब तक मन में स्त्री और पुरुष का भेद बना हुआ है तब तक द्रवित रखना चाहिए, नहीं तो महाराज या कन्या जो है ना स्नायु जो है ये सुधर जाते हैं, है ना। जब तक गलत मालूम पड़ता है कि जो औरत में है वो मर्द में नहीं है ये गलत है, और जो मर्द में है वो गलत स्त्री में नहीं है ये गलत है, तो जब तक ये मालूम पड़ता है कि स्त्री के बिना पुरुष पूर्ण नहीं है और पुरुष के बिना स्त्री पूर्ण नहीं है, जब तक ऐसा मालूम पड़ता है तब तक महाराज बचाते रहना चाहिए, तब सदाचार की चरित्र की रक्षा हो सकती है। गृहस्थ हो तो ऋतुगामी हो, इसके जीवन में भी नियम होना चाहिए, स्त्री पुरुष का संयोग अनियमित नहीं होना चाहिए, नहीं तो शक्ति बह जाएगी और फिर महाराज जो संतान होगी वह भी कमजोर होगी, होगा नहीं ऐसा भी हो सकता। सब में अग्नि में गुरु में सब में परमेश्वर का दर्शन करना चाहिए। वानप्रस्थ महाराज आश्रम, वैसे कलयुग में वानप्रस्थ आश्रम का और संन्यास आश्रम का दोनों का धर्म शास्त्रों में एक साथ निषेध मिलता है, और धर्म सिंधु के अंत में तो इसका बड़ा विवेक है। अच्छा, तो शंकराचार्य भगवान ने कहा है कि जब तक सूर्य चंद्रमा है और जब तक ये धर्माश्रम धर्म है तब तक ये दानप्रस्थ और संन्यास भी रहना चाहिए, अंतिम कलयुग में ये नहीं रहेंगे, ऐसी व्यवस्था उन्होंने दर्शाई है। तो दानप्रस्थ को जहाँ तक हो बिना जूते बोए अन्न से अपनी जीविका चलाने के लिए सारे व्रत करने के लिए 12 वर्ष का व्रत करे, अंत में अग्नियों का अपने में हवन करके उसको भी संन्यास ग्रहण करना चाहिए। और ये बात हमने शुरू से देखी है, ये अर्थदाद है श्रीमद् भागवत में, हम लोग सबलिंग के द्वारा तात्पर्य का निर्णय करते हैं और श्रुतियों का, तो बोलो देखो जितने गृहस्थ मरे हैं सबकी मृत्यु का ढंग दूसरा है, और जिनके जितने अवधूत महात्मा मरे हैं उनकी मृत्यु का ढंग दूसरा है। जब गृहस्थ मृत्यु को प्राप्त होने लगता है और महात्मा है तो वो पृथ्वी को जल में, जल व्यक्तित्व को पृथ्वी में, पृथ्वी को जल में, जल को अग्नि में, ऐसे फिर विषयों के इंद्रियों में, इंद्रियों के अंतःकरण में लय के क्रम से लीन करके अपने स्वरूप में स्थित होता है। दानप्रस्थ मरे तो ऐसे ही करे, लेकिन जहाँ कोई अवधूत महात्मा मरता है वहाँ लय की जरूरत नहीं पड़ती, एक जीवन काल में ही उसकी सृष्टि भस्म हो गई है, वो लय करे कि न करे उसकी मुक्ति हो जाती है। ये सन्यासी भी कई तरह के होते हैं, एक तो भैया बुद्धि हुए सन्यासी होगा तो कर्म सन्यास होता है, शरीर में सामर्थ्य नहीं है तो कर्म सन्यास होता है, मरने के समय संन्यास लिए तो आतुर संन्यास होता है, और नंगे होते हिमालय में चढ़ जाएंगे वीर संन्यास होता है, बहुत भेद होते हैं। जिज्ञासा की पूर्ति के लिए संन्यास लें तो विदुषी संन्यास होता है, ज्ञान होकर संन्यास लें तो विद्वत संन्यास होता है, बड़े भारी भारी भेद हैं। तो महाराज अब यहाँ बताते हैं कि जब ज्ञानाभ्यास में समर्थ हो तो संन्यास ग्रहण करके एक गाने एक रात और मेरे को पृथ्वी में विचरण करे, और जितने से कौटीन घटे उतना ही वस्त्र रखे और दंड और कमंडली रखे। महात्मा जी को अकेले विचरण करना चाहिए तो चेहरे जाते ज्यादा नहीं होना चाहिए, देखे कि संसार में मैं और मुझमे संसार संपूर्ण विश्व, संध काल में अपने दृष्टा मात्र जो स्वरूप है ब्रह्मारण्य उसका अनुभव करे, और प्रसंग को माया मात्र समझे, मौत आएगी कि जिंदगी रहेगी इसका ख्याल न करे। ये जो असत शास्त्र है ना, ग्रह सूची नक्षत्र सूची,
ये सब उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ज्योतिष नहीं बताना, दया नहीं बताना, ये सब उसके लिए जीविका, जिससे जीविका चलती हो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। और एक काव्य नाटक आदि जो आलाप हैं इनका नहीं करना चाहिए ग्रहण। बात भी बात किसी से नहीं करना चाहिए, तर्क नहीं करना चाहिए, पक्ष नहीं लेना चाहिए और शिष्य बनाए बनाए के अपने पास नहीं रखना चाहिए। बहुत ग्रंथों का अभ्यास नहीं करना चाहिए, व्याख्या का उपयोग नहीं करना चाहिए, बड़े बड़े काम धंधे आरोपित नहीं करने चाहिए। आस्तिक साथ रहे महाराज और कोई पहचान न सके उसको। एक बार प्रहलाद जी घूमते फिरते उस कहीं पर्वत पर महाराज कावेरी नदी के तट पर पहुंच गए और वहां देखा कि धूल रावा भी लौटा हुआ है। बोले कौन है रावा? जिसको लोग नहीं पहचान पाते हैं, बड़ा भारी महात्मा, चिन्ह से, धर्म से, आश्रम से, सोचा न वेटी पर, तो ये ऐसा महात्मा है कि कोई और है। जाके पांव छुआ, प्रणाम किया, बोले बड़े मोटे देखते हो दादा जी, इतना तगड़ा शरीर, विधर्ष कारण जीवानंद, बड़े मोटे हो तुमको, ऐसा शरीर तो भोगी लोगों को प्राप्त होता है, किस खेत का गेहूं खाते। ये जो लोग खूब बराब करते हैं उनका शरीर मोटा होता है, और तुम इतनी बढ़िया कवि, कल्प, निपुण दृष्ट, सब लोग तुम दुनिया में व्यापागुल होने वाले, 100 वर्ष बाद तो प्रलय होने वाला है महाराज। अभी 10 वर्ष बाद 10 ऐसे ग्रह इकट्ठे होंगे और कि उसमें दुनिया का क्या होगा, अभी तो चंदा करो तभी जल्द करेंगे, और दुनिया सारी लगी हुई है इन सब कामों में और तुम भूल में लेते हुए हो, क्या बात है। तो महाराज वो बोले कि देखो जी, हम जानते हैं कि तुम हो भगवान के भक्त और सब कुछ समझते हो, अध्यात्म दृष्टि तुमको प्राप्त है, तुम्हारे हृदय में रहते हैं भगवान, फिर भी जब तुमने पूछा है तो आपका आदर करने के लिए तुम्हारा मैं ये उत्तर देता हूँ। देखो संसार में लोगों के हृदय में कृष्णा हमेशा से बह रही है और वो कभी भोग से पूरी नहीं होती है, उसके कारण अनेक जन्मों में जाना पड़ता है और ये मनुष्य शरीर अंत में मिला है। इसलिए भी ये जो दंपति हैं स्त्री पुरुष, ये सुख की प्राप्ति के लिए, दुख मिटाने के लिए नाना प्रकार के कर्म करते हैं। तो बाबा हम जानते हैं सुख दुख जितना होता है वो अपने मन की कल्पना से होता है, मन हस्तकल्प जान दृष्टवा, चाहे तो अभी महाराज आप सोच लें कि हम दुखी हैं तो दुखी हो जाएंगे, सोचने लगे हमारा कोई सच्चा मित्र नहीं है, हमको सब लोग धोखा देते हैं, हम जो जानते हैं वो होते ही नहीं है, हमारा साथी कोई नहीं है, अपने मन का सब करते हैं और अभी बोले लोग हमसे बहुत प्रेम करते हैं, हमारे पीछे पीछे चलते हैं, हमारी बात सुनते हैं, जैसे अभी सुखी होने, ये मन किस कल्पना में फंसता है, अच्छे अच्छे अच्छी अच्छी कल्पना में फंस जाए तो सुखी हो जाए और बुरी बुरी कल्पना में फंस जाए तो दुखी हो जाए। ये संसार के सुख दुख मन की कल्पना मात्र है, इस बात को आदमी न समझ करके इस द्वैत में बड़ा भारी दुख भोग रहा है। ये सवार पैदा हो गई, पानी भर गया, अब प्यासे होकर के इधर उधर मृग कृष्णा की ओर दौड़ते हैं, यही पानी है जो मालूम नहीं, धोबिया जल भी स्मरत किया था, जल में सार पियोला मूरत, अच्छा जल है खासा, आनंद सिंधु मध्य सौदाता, दिन जाने तू मरस किया, अपने हृदय का आनंद नहीं जानते हो, उसके इतना रुपया आएगा तब आनंदित होंगे, वहाँ ब्याह होगा तब आनंदित होंगे, वो मिलेगा तब आनंदित होंगे, ये मूर्खता है, ये देहाभिमान। तो महाराज ये दुख किसी से छुपता नहीं, लोग बोले धनी लोग बड़े सुखी होते हैं, हम लोग बच्चे थे ना गाँव में, महाराज छोटा छोटा गाँव है, सात ही घर ब्राह्मण है, सात घर का गाँव है, तो हम लोग जब खेलते थे तब ये होता था कि वो जो हमारे दूजे जी हैं पर दूसरे गांव हैं वो बहुत धनी हैं, तो हम लोग कहते थे कि धनी हैं तो क्या उनको क्या सुख होगा, बच्चे लोग तो बोले गुड़ ज्यादा खाते हैं, जब हम लोग खेलते थे किसान लोग जो कम खाते हैं और ये धनी लोग जो है वो गुड़ ज्यादा खाते होंगे, परंतु ये देखा महाराज एक धनी के घर हम लोग गए 25-30 साधु एक साथ, तो हम लोगों के लिए बनी खीर, और महाराज एक एक साधु एक एक शेर खीर ला जाए, और शेख जी की 2 घंटा मालिश होने के बाद सब वो दूर दूर उठे खा सकते थे, सत्यानि धनी नाम क्लेशम,
ये दिन भर तो कमाई करते हैं, इतनी चोरी, इतनी बेईमानी, इतनी ठगी, इतनी धोखा, दो फुलके खाने को मिलते हैं और हम लोग मुस्तंदे से जगह ठीक खा जाए, है ना। और ये हाव-हाव कर रहे हैं कि दादा ऐसी पाचन शक्ति हमारे पद आयोजन शक्ति बात सुना रहे हैं, है ना। हाव हाव कर रहे हैं कि हमारे ऐसी पाचन शक्ति कब होगी। तो पक्ष्यामि धनिनाम क्लेशाम, देखो एक बात आप ध्यान में रखो, यदि हम लोग साधु लोग ये सोच लें कि धनी लोग ही सुखी होते हैं और जिसके पास धन नहीं है वो दुखी होता है, तो हम मर जाएंगे, है ना। हमारा सत्यानाश हो जाएगा, फिर साधु नहीं रह सकते। हम जब ये सोचते हैं कि धनी लोग सुखी नहीं हैं और हम लोग बहुत सुखी हैं, तब हमारा जीवन बहता है ना। हमारे जीवन का सहारा ये है। और सच पूछो तो धनियों को धनी बनाए रखा इन बालाजी ने, ये लोगों के बीच में चल गए, बोले अरे देखो जी कुछ क्रांति करने की जरूरत नहीं है, आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, ये धनी लोग कोई सुखी नहीं है, देखो हम बिना धन के कितने सुखी हैं, तुम धन के लिए अन्याय क्यों करते हो। और लोगों को क्रांति करने से रोक दिया इन दादाजियों ने, समझते नहीं है इस बात। पश्याम धनीनाम क्लेशम निद्राणाम अधिकात्मनाम भया दलब्ध निद्राणाम, ये धनी लोग हैं महाराज यहाँ तो बहुत बैठे होंगे, परंतु हमारा ऐसा काल है कि यहाँ चाहे कितने भी धनी बैठे हों, करोड़पति अरबपति, जब ये लोग अमेरिका जाते होंगे तो अपने तो गरीब ही समझ के लौटते होंगे। इनकी अमीरी वहां के सामने कितनी गरीब है इस बात पर तो ख्याल करो ना, भले अभिमान कर लें कि अंदर पैसे वाले बड़े पैसे। तो हम देखते हैं धनियों का दुख, एक तो उनके मन में लोभ बना रहता है कि हम और मिले, और मिले हमको तो धनी पाए। अच्छा इंद्रिया अपने वश में नहीं, इंद्रिया तृप्त नहीं होती, भय के मारे रात को नींद नहीं आती है, अपने बेटे से भी शंका होती है, पर्वतों भी शंकनाम पत्नी से होती है, बेटे से होती है। एक देश की पत्नी है 10-20 लाख लेके एक बालक के पास चले, हम जानते हैं उसको दिल्ली की है, हे भगवान है। अब देखो पत्नी ने धोखा दे दिया पति को, तो सर्वतर सबसे शंका रहती है, राजा छीन ले जाएगा, चोर ले जाएगा, अपने सगे संबंधी ले लेंगे। एक सेठ जी नोट लेके जा रहे थे कहीं राजस्थान में, तो बंडल अपना रखा और पानी पीने लगे कुएं तक इधर ही तक, तो महाराज जी गधा आया और उनका बंडल खा गया। गड्ढे के पेट में है ना, और एक जने की हीरा की माला, हीरा की माला थी, तो कौए ने उठाया उसको और ले जाके नदी में फेंक दिया, जाए जाए समुद्र में पड़ गया। तो चारों ओर से डर है भाई, पशु से डर है, पक्षी से डर है, मांगने वालों से डर है, समय का डर है। और मेरा जो पेट गए बंदाया लाके एक स्त्री ने उनको माला पहनाई, राशि मांगा, आज राशि है तो सेठ जी हम आपको राशि मांगते हैं। तो सेठ जी ने पूछा क्या चाहिए, बोले हमारे विद्यालय को 5,000 रुपया देंगे और भरी सभा, बोले कैसा देंगे। अब जब लौट के आए महाराज तो देने के बाद पछताने लगे कि मैंने आज अपने हाथों 5,000 कर दिया। तो अपने से भी डर लगता है महाराज, भय तो उनके पीछे पड़ा है, शोक मोह भय क्रोध राग कलेजी परिश्रम। ये महाराज गुरु पर भी विश्वास नहीं करते, हमको मालूम है कितना डरते हैं, कपट करते हैं, अविश्वास करते हैं। तो ये सबके अंदर जो कमजोरी है वो अगर इसकी समझ में आ जाए तो उसका भला है, नहीं तो हम बालाजी लोग तो समझते ही हैं कि कितनी कमजोरी है लोगों के जीवन में। तो हमने तो बाबा मधुकार और सर्प से ये सीखा, बैराग और परिचय हमने देखा है महाराज कि बड़े कष्ट से शहद इकट्ठी की जाती है, लेकिन मधु ले जाने वाला लेके चला जाता है। और अजगर बैठा रहता है, अजगर करे में क्या करी, पंछी करे में कौन, बैठा रहता है उसके पास खाने को आ जाता है, जैसा मिल जाता है। जैसे बलपम कभी भूरी, जैसे बलपम कसित भूरी भुंजे नम स्वादुगा, जैसे भूरी गुणों के कम गुण ही नचित, जैसा मिल जाए उसका मजा लेना चाहिए। एक बात आपको सुनाते हैं, एक बार हम लोग रतनगढ़ में थे, कल्याण का संपादन वहां से होता है। एक बार हमारे भाई जी के भी संबंधी हैं और घनश्याम दास जालान के भी संबंधी हैं, बंबई से वहां आए हम लोगों के मित्र, हमने कहा आज यही भोजन करना, हम लोगों ने आमंत्रित कर लिया।
पर रसूले के घर में कुछ ऐसा सूचक पाठक चला कि वो चला गया और अपनी जगह पर एक नया बुद्धा रसूलिया ले आया। बड़ी बड़ी बाल सफेद और महाराज जटा वटा बांधे। वो बोला कि हम बीकानेर के महाराज की रसोई बनाते थे, हमारे जैसी रसोई तो यहाँ कोई बनाता ही नहीं। तो हम लोगों ने कहा बनाओ भाई। अब उसने बनाया महाराज के साग को सिर्फ मिर्च का बनाया, केवल मिर्च का साग बनाया और कुछ है ना। और रात को दिखता नहीं था तो रोटी जल गई, दाल कच्ची रह गई है ना, और सब रसोई बिगड़ गई। अब जब हम लोग खाने बैठे तो माधव जी बोले कि भाई आज जैसा भोजन मिला है करने को ऐसा तो जिंदगी में कभी मिला ही नहीं। ऐसे बस और क्या, हमने तो बीकानेर के नरेश का बनाया है, हमारे जैसा और कौन है। और मेरा एक टिप्पणी उसने जो की, एक टिप्पणी हमने की, एक टिप्पणी उन्होंने की, और हम लोग हंसते हंसते महाराज वो जो जमाई आजमाई जा रहा है उन्होंने भी बड़े प्रेम से हंस हंस के खाया और हम लोगों ने भी हंस हंस के खाया। और यदि पहले गुस्सा आ जाता, नाराज हो जाते ना, तो जहर हो जाता सबके नहीं। तो असल में दुख को भी सुख बनाने का, प्रतिकूल को भी अनुकूल बनाने की कोई विद्या होती है। अभी हम कभी बलपन कहीं थोड़ा सा के काम चला लो, कहीं खूब खा लो, कहीं स्वादु खाओ, कभी अस्वादु खाओ, कभी बहुत आयुर्वेद की रीति से भोजन बन गया है ना, और कहीं नुकसानकारक बन गया, सब फंस जाता है। मनुष्य को सब परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। कभी श्रद्धा से मिलता है महाराज तो कहीं चार गाली सुन के मिलते हैं। अब सोचो कि साधु के लिए कौन सा भोजन ठीक है, बोले चार गाली सुनने के बाद जब वो भोजन करेगा तो उसकी तपस्या हो जाएगी और वो जो पराया अन्न खा रहा है ना उसकी कीमत अदा हो जाएगी। और बड़े आदर से खाएगा तो कर्जा उसके ऊपर चढ़ेगा। तो जहाँ अपमान से भोजन मिले वही करना चाहिए। तुम मान बल भी कम, कभी दिन में खाया कभी रात में खाया, कभी भूखे रह गए, कभी कैसा कपड़ा पहना, कभी धरती पर सो गए, कभी पलंग पर सो गए, और कभी बड़े भारी महल में सो गए, कभी सोने की सज्जा पर सो गए, कभी स्नान करके बढ़िया कपड़ा पहनते हैं और कभी महंगे रहते हैं। इसमें न निंदा है न स्तुति है, सबका कल्याण हो, बस ये चाहते हैं सबका कल्याण हो। ये सब मन का खेल है और निर्वासन होकर के अपने आप में बैठ जाना चाहिए। और दूसरे कहा कि ये महाराज बड़ा गुप्त है, ये रहनी जो हमारी है ये बड़ी गुप्त है, इसको लोक और शास्त्र की कटौती में पर मत कटो। बेतन लोक शास्त्र अभियान भगवान ही भगवत प्रिय है। नारद जी कहते हैं कि इस तरह से अवधूत रंग किया प्रहलाद जी ने दत्तात्रेय जी के द्वारा और बड़े प्रसन्न हुए। अब एक प्रश्न ये है कि जो फल अवधूत को जो सुख मिलता है, जो शांति मिलती है, जो ब्रह्म मिलता है, एक परमहंस विरक्त अवधूत को वही सुख गृहस्थ को मिल सकता है कि नहीं? और मिल सकता है गृहस्थ को भी, सुख मिलने में गृहस्थ को क्या फर्क है? बोले कैसे मिले महाराज, वही शांति वही सुख है, वही परमानंद गृहस्थ के जीवन में भी लहराता रहे, इसका उपाय क्या है?